ये मूवी इंडिया में कैसे रिलीज हो गई, मैं यही सोचकर शॉक्ड हूँ। आई मीन लाइक सीबीएफसी के होने के बावजूद ये मूवी इंडिया में कैसे रिलीज हो गई। आई मीन इस मूवी में एक्शन है, ब्रूटल एक्शन है, ब्रूटल ग्राफिकल एक्शन है। आई मीन लाइक चीड़ फाड़ है, जबड़ा निकाल के चीड़ फाड़ है, बीच से बॉडी कट जा रही है, गले कट जा रहे हैं, और ये सब सीन्स सीबीएफसी के होने के बावजूद भी कटे नहीं। आई एम शॉक्ड। सब्सक्राइब कीजिए FeatFlix को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। कॉमिक के ऊपर बेस्ड मूवी हेलबॉय ये रीमेक है 2004 में बनी मूवी हेलबॉय की, जिसको डायरेक्ट किया है नील मार्शल ने। और इस डायरेक्टर की एक बात बता दूं मैं आपको कि इन्होंने सिर्फ हिट मूवीज और टीवी सीरीज ही नहीं बल्कि सुपर हिट मूवीज और टीवी सीरीज बनाई है। जैसे 2005 में आई द डिसेंट, 2008 में आई डूम्सडे, 2010 में आई सेंचुरियन, 2011 में आई गेम ऑफ थ्रोन्स के दो एपिसोड्स भी इन्होंने ही डायरेक्ट किए थे, और मेरी वन ऑफ ऑल टाइम फेवरेट टीवी सीरीज ब्लैक सेल्स के भी दो एपिसोड इन्होंने ही डायरेक्ट किए थे, और लास्टली 2016 में आई वेस्ट वर्ल्ड के एंटायर सीजन को इन्होंने डायरेक्ट किया था, जो कि अगेन HBO की सुपर हिट टीवी सीरीज में से एक है। अब इतनी सारी हिट सुपर हिट मूवीज और टीवी सीरीज बनाने के बाद में जरूर हमारा यही एक्सपेक्टेशन था कि ये मूवी भी वैसी ही होगी, एंड अगेन ये मूवी वैसी ही निकलती है। स्टोरी जैसा कि हम सब जानते हैं, जो कि 2004 की मूवी हेलबॉय में भी बताया गया था, उसी के ऊपर है, एक इंसान या एक शैतान के ऊपर है जो कि हेल से आया हुआ है, जिसको सब हेलबॉय के नाम से जानते हैं। PPRD यानी कि ब्यूरो ऑफ पैरानॉर्मल रिसर्च एंड डिफेंस में काम करने वाले प्रोफेसर ट्रेवर, जिनका काम है दुनिया को ऐसे पैरानॉर्मल क्रिएचर से बचाना जो दुनिया को तबाह करना चाहते हैं, इनको हेलबॉय मिलते हैं कुछ स्ट्रेंज सर्कमस्टेंसेस में जब हेलबॉय बच्चे होते हैं। मगर ये प्रोफेसर जो कि उस वक्त हेलबॉय को मारने गए होते हैं, इनको बच्चे में देखकर ये सोचते हैं कि नहीं यार, इसे मारना नहीं चाहिए, बल्कि इसे ये पाल पोस कर इनका देखभाल करते हैं और इनको परवरिश देते हैं, इनको बड़ा करते हैं। वहीं पर दूसरी ओर हम निमुए द ब्लड क्वीन, जिसका काम किया है मिला जोवोविक ने, उनको हम देखते हैं। हम इनके बारे में जानते हैं कि कैसे ये दुनिया पे शैतानों का राज चाहती हैं, मगर XYZ रीजन की वजह से इनके इरादों पर पानी फिर जाता है और ये मारी जाती हैं। मगर क्योंकि निमू एक तरीके से विच है, वो कभी मर नहीं सकती, इसलिए काफी लोग इनको वापस जिंदा करने की सालों के बाद में कोशिश करते हैं, ताकि अगेन दुनिया पर शैतानों का राज हो सके। मगर अगेन इन सबके बीच में आ रहे हैं ऑफकोर्स हमारे हेलबॉय, जो सबको ऐसा करने से रोक रहे हैं। तो आखिर वो कौन लोग हैं जो निमुए को फिर से वापस जिंदा करना चाहते हैं और दुनिया पे शैतानों का राज चाहते हैं, और क्या वो इसमें कामयाब हो पाएंगे, और क्या हेलबॉय इन सबको रोक पाएंगे, और इन्हीं सभी के बीच में हम क्या क्या एक्शन, आई मीन लाइक क्या क्या गजब के एक्शन सीक्वेंसेस देखते हैं, कुछ इसी स्टोरी को एक्सप्लोर करती है ये एक्शन पैक्ड मूवी जिसका नाम है हेलबॉय। मुझे मॉन्स्टर का खुद का थोपड़ा देखा है ना कभी? माफ करना, आने में देर तो नहीं करती? जरा भी नहीं, दूल्हे के बगैर शादी कैसे? मूवी के स्टार्टिंग के 5 मिनट ऐसे निकल जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा। आई मीन लाइक स्टार्टिंग के 5 मिनट में फ्लैशबैक में लेके जाया जाता है हमें, कुछ स्टोरी बताई जाती है स्पेशली ब्लड क्वीन यानी कि मिला जोवोविक के बारे में, और इतना वॉयलेंट भरा है वो सीन कि मैं तो देखकर दंग रह गया था, और उसके बाद में तो मैं प्रोसेस कर रहा था यार ये मतलब इतना वॉयलेंट और ग्राफिकल सीन आखिर हम देख कैसे रहे हैं। पहले तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि ये पास कैसे हो गई मूवी, सीबीएफसी ने इसको पास कैसे कर दिया और कट क्यों नहीं किया, तो पहले मैं वो ग्राफ्स कर रहा था। और मूवी इतने झटके से 5 मिनट में फ्लैशबैक में दिखा देती है कि वो स्टोरी भी ग्राफ्स करने में टाइम लग रहा था। आई मीन लाइक एक्शन देखने को मिल रहा था, सीबीएफसी को ग्राफ्स कर रहा था, और ये वॉयलेंट सीन्स को ग्राफ्स कर रहा था, मूवी की स्टोरी को ग्राफ्स कर रहा था, तो मतलब एक्शन पूरा सीन चला जाता है 5 मिनट और मैं स्टिल प्रोसेस कर रहा होता हूँ कि यार भाई ये क्या क्या हो गया। ट्रस्ट मी, मूवी के स्टार्टिंग के 5 मिनट ही आपका मूवी में इंटरेस्ट बना देते हैं, इतना वॉयलेंट एक्शन पैक्ड है स्टार्टिंग का 5 मिनट। अब वॉयलेंट एक्शन सीक्वेंसेस से मैं मूवी नहीं, सबसे पहले सीबीएफसी के बारे में बात करना चाहूंगा कि आखिर उन्होंने इस मूवी को पास कैसे कर दिया। आई मीन बॉडी फट रही है, जबड़े टूट रहे हैं, आंखें निकल रही हैं, हाथ कट रहे हैं, गले कट रहे हैं, और ये सब सीन्स हम देख रहे हैं। सीबीएफसी ने इस मूवी को देखा था या नहीं देखा था? अगेन मूवी में बीच बीच में जंप कट्स थे, मतलब ऐसे ऐसे सीन्स भी थे जिसको मेरे ख्याल से पूरी तरीके से काट दिया गया, बट स्टिल जितना हम देखते हैं इस मूवी को,
इस मूवी को देखने के बाद में मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि आखिर ये मूवी इंडिया में रिलीज कैसे हो गई। बट अगेन मैं सीबीएफसी को थैंक यू कहना चाहूंगा, क्योंकि अगर उन्होंने और कटिंग की होती तो मेरे ख्याल से 2 घंटे की मूवी शायद 1 घंटे की होती, क्योंकि इतना मारकाट, मतलब वॉयलेंट मारकाट है इस मूवी में। हिंदी डबिंग की बात करूं तो डबिंग मुझे काफी इम्प्रेसिव लगी। आई मीन ये नॉर्मल डबिंग नहीं था जहां पर नॉर्मल इंसानों का आवाज निकालना है आपको, शैतानी लोग ज्यादा थे इसके अंदर, तो वो शैतानी आवाज निकलनी चाहिए। तो जितने भी डबिंग आर्टिस्ट ने इस मूवी में डबिंग किया है, आई मीन लाइक लाजवाब डबिंग किया है। 1 मिनट के लिए भी ऐसा नहीं लग रहा था कि यार किसी का वॉइस सूट नहीं कर रहा है। हाँ, हेलबॉय का कैरेक्टर का जो वॉइस है वो मुझे कहीं ना कहीं हल्का सा 10-15% डल लग रहा था। मुझे थोड़ा उनकी आवाज में और भारीपन चाहिए था, लेकिन उनकी आवाज से ऐसा लग रहा था कि वो काफी उदास है, जो कि हाँ उनके कैरेक्टर से कहीं ना कहीं स्टोरी के टाइमलाइन से मैच हो रहा था। बट स्टिल एक हैवी वॉइस चाहिए था हमें हिंदी वर्जन में। बट स्टिल अभी मैंने इसका इंग्लिश वर्जन तो नहीं देखा है, हिंदी देखा है, बट ट्रस्ट मी मैं इसके ब्लूरे का वेट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसको इंग्लिश में ब्लूरे में देखूंगा, अनकट देखना चाहूंगा हर एक सीन और दोबारा। मेरे ख्याल से एटलीस्ट मैं ये मूवी 2 या 3 बार देखना चाहूंगा। हेलबॉय की बात करें तो इनके पास के बारे में हम ज्यादा नहीं जानते हैं, और कहीं ना कहीं ये सही था, क्योंकि ऑलरेडी हमने हेलबॉय की 2 मूवीज देख ली है जहां पर हम उनके पास के बारे में जानते हैं। तो इस मूवी में वो ड्रामा डालकर कहीं ना कहीं शायद ये मूवी बोर हो सकती थी, और ये अच्छा लगा कि स्क्रिप्ट राइटर ने और डायरेक्टर ने उस सब ड्रामा को निकाल दिया है और उस पूरी मूवी को सिर्फ और सिर्फ एक्शन पे फोकस कर दिया। हेलबॉय को लेकर एक और चीज अच्छी लगी कि पहले के 2 मूवीज में, यानी कि ये तो रिबूट मूवी थी, लेकिन पहले के 2 मूवीज में हेलबॉय को एक तरह से एकदम परफेक्ट बताया गया था। उनका चेहरा वगैरह सब परफेक्ट था, आई मीन लाइक एक नॉर्मल लुक था, शैतान होने के बावजूद भी वो एक परफेक्ट लुक में थे। मगर इस मूवी में हेलबॉय को एक थोड़ा अगली लुक दिया है, आई मीन लाइक उनका चेहरा आड़ा टेढ़ा है, थोड़ा बॉडी यू नो एकदम बल्की बॉडी है उनका, थोड़ा बहुत पेट भी है एब्स होने के बावजूद भी, पीठ पे उनके बाल है, बार बार पीठ पे ही फोकस किया जा रहा था, तो एक इनकंसिस्टेंट लुक था, परफेक्ट लुक नहीं था, और कहीं ना कहीं ये हेलबॉय के कैरेक्टर के साथ में बराबर जा रहा था। और कहीं ना कहीं हमें इनका जो प्रेजेंटेशन है थ्रू आउट द मूवी वो भी अच्छा लगा। आई मीन ऐसा नहीं है कि एकदम परफेक्ट है, हेल से आए हैं तो सभी को मार दे रहे हैं, आई मीन लाइक ये किसी से लड़ते भी हैं तो बहुत थके हुए हालत में लड़ते हैं, मार खाते हैं उसके बाद में जाके मारते हैं, तो ये अच्छा लगा कि एक स्ट्रगल दिखाया गया उनका। ऐसा नहीं है कि बस आए, एक गोली मारा खत्म, 2 मुक्का मारा खत्म, आई मीन लाइक स्ट्रगल दिखाया गया, तो वो फाइटिंग सीक्वेंसेस, ऐसे फाइटिंग, स्ट्रगलिंग फाइटिंग सीक्वेंसेस देखने में ज्यादा मजा आ रहा था। मूवी की एक्शन और VFX की बात करें तो ये मूवी तो फुल ऑन एक्शन पैक्ड है, नो डाउट देयर। VFX इंप्रेसिव है, 1 या 2 सीन में जहां पर आप लिटरली ये गेस कर सकते हैं कि यार ये एनिमेटेड है थोड़ा, आई मीन लाइक एक दो जगह पे जैगवार के सीन्स है जो कि मुझे टोटली एनिमेटेड लग रहा था, और जैगवार को और उनके सीन्स को लेकर थोड़ा और मूवी को इम्प्रेसिव बनाया जा सकता था, बट इंस्टेड वहां पे कमजोर VFX यू नो और स्पेशल इफेक्ट्स यूज करके हम टोटली, हमें आइडिया मिल जाता है कि भाई नहीं यार ये तो एनिमेटेड है, पूरा पता चल रहा है। उसके अलावा जो भी VFX है, गजब के VFX है। आई मीन एक पल के लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक एक्शन पैक्ड मूवी नहीं, मैं एक हॉरर मूवी देख रहा हूँ। ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स प्रेजेंट किए गए हैं, उनके ऐसे ऐसे चेहरे हैं, सड़े गले और उनकी आवाज, आई मीन लाइक एक हॉरर चिल्स आ रहा था मूवी देखते वक्त। हॉरर में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1-2 सीन इस मूवी के काफी डिस्टर्बिंग थे, आई मीन लाइक मुझे भी डिस्टर्ब कर दिया उस सीन ने। आई मीन एक सीन है जहां पर एक वेज जो है, एक शैतानी औरत जो है, बच्चों के उंगलियों को काट कर खा रही है, लिटरली हम वो सीन देखते हैं। वो सीन तक तो ठीक था, मगर वो बच्चे हम देखते हैं लटके हुए, वो सीन देखकर लिटरली मुझे उल्टी जैसी फीलिंग आ रही थी। आई मीन लाइक ऐसी फीलिंग मुझे द हिल्स हैव आईज और रॉन्ग टर्न मूवीज को देखने के बाद में हुई थी, और इस मूवी को देखकर हुई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल का ग्राफिकल वॉयलेंस आप इस मूवी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आपको इस मूवी के एक्शन इसलिए भी अच्छे लगते हैं क्योंकि इसमें ड्रामा नहीं है, प्योर एक्शन पैक्ड मूवी। मूवी में मिला जोवोविक ने ब्लड क्वीन का काम किया है, एंड लेट मी टेल यू आई लव्ड हर इन दिस मूवी। आई मीन ज्यादा सीन्स नहीं है इनके, लिमिटेड है, मगर जितने भी है इम्प्रेसिव है। आई मीन लाइक रेजिडेंट ईवल के बाद में मैं प्यासा था इनको एक्शन मूवी में देखने के लिए, और फाइनली मैंने इनको एक्शन में इस मूवी में देखा, मेरी प्यास मिट गई है। ट्रेलर देखने के बाद में मुझे मिला जोवो की ड्रेसिंग थोड़ी अजीब लग रही थी, मगर जब मैंने मूवी देखी तो मुझे पता चला यार इनकी ड्रेसिंग परफेक्ट थी, इनके कैरेक्टर से मैच कर रही थी, फ्लो में जा रही थी मूवी के, और ड्रेसिंग तो कहीं ना कहीं इनके
एक विच लुक पे चार चांद लगा दे रही थी। सिर्फ एक चीज कह ली कि इनके और हेलबॉय के बीच में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक खमासान एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेगा, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं देखने को मिलता। मूवी में हेलबॉय के दोस्तों को भी हम देखते हैं, जैसे कि मेजर बेन और एलिस, और इन दोनों कैरेक्टर्स को लेकर यही चीज अच्छी लगी कि मूवी ने सिर्फ हेलबॉय नहीं बाकी इन दोनों कैरेक्टर्स पे भी फोकस किया है। आई मीन लाइक एलिस और मेजर बेन, इनके पास्ट में हम जानते हैं, हम ये देखते हैं कि एलिस जो आज आत्माओं से बात कर सकती है वो कैसे बात कर सकती है, उनके बैक स्टोरी देखने को मिलती है, जो कि 2004 में आई हेलबॉय में भी हम नहीं जानते। हम बस जानते हैं कि एलिस के पास में कुछ सुपर पावर्स है, मगर इस मूवी में हम इनके पास्ट में जाते हैं कि आखिर ये इनको सुपर पावर्स मिले कहां से। वहीं पर मेजर बेन, ये एक नया कैरेक्टर है जो कि इस मूवी में इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग था। हाँ, वो एक जैगुआर का एक अवतार लेते हैं, और जैसे कि मैंने कहा कि वहां पे उनके VFX एनिमेशन, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि इनको थोड़ा एक पावरफुल रोल देना चाहिए था। आई मीन लाइक जैगुआर के जितने भी सीन्स थे ठीक थे, इम्प्रेसिव नहीं थे, मगर ओवरऑल अच्छा लगा कि कुछ मिनट के लिए ही सही मूवी हेलबॉय और रेड क्वीन यानी कि विच से एक अलग जगह पे जाती है, एक अलग स्टोरी हमें भले ही 5-10 मिनट के लिए सही हम थोड़ा मूवी से स्विच होते हैं। एज ऑलवेज इस मूवी में मिड क्रेडिट भी है और एंड क्रेडिट भी है, एंड ट्रस्ट मी आप मिड क्रेडिट और एंड क्रेडिट दोनों भी मिस नहीं करना चाहेंगे। वापस पहले की तरह आई मीन लाइक सब पब्लिक चली गई थी, काफी लोग आए थे इस मूवी को देखने के लिए। आई मीन लाइक ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 100-150 लोग थे थिएटर में, एंड सब चले गए थे। मिड क्रेडिट तक तो सब थे, मगर एंड क्रेडिट तक ऑलमोस्ट सब चले गए थे। मैं मेरे दोस्त के साथ में आई सेड लाइक नहीं यार, इसमें हो सकता है मतलब पैसे दिए हैं, लेट्स वेट। आई मीन लाइक साफ सफाई वाले आ गए थे, वो तो ऑलमोस्ट साफ सफाई करके ऑलमोस्ट जा रहे थे, और एंड क्रेडिट रोल हो रहा था, और फाइनली हमें एंड क्रेडिट देखने को मिला। एंड एंड क्रेडिट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस एंड क्रेडिट में कुछ ना कुछ एक हमें एक लिंक मिलता है कि जब इसकी सेकेंड मूवी जो कि ऑफकोर्स आएगी, उसमें कहीं ना कहीं फर्स्ट मूवी का लिंकेज दिया गया है। सो ट्रस्ट मी, लास्ट तक रुकिए और मिड क्रेडिट और एंड क्रेडिट जरूर देखिए। स्टोरी इस मूवी की काफी सिंपल है, और जैसा कि मैंने तो प्रेडेटर मूवी में कहा था कि यार प्रेडेटर मूवी को अगर एंजॉय करना है तो बेजा साइड में रख दो और एक्शन को एंजॉय करो। इस मूवी में भी मैं वही कहूंगा कि स्टोरी पर फोकस मत करो, ब्रेन साइड में रखो और एक्शन, ग्राफिकल एक्शन को आप बस एंजॉय कीजिए। सो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 7.5 out of 10। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू मूवी हेलबॉय का। आपको हमारा ये रिव्यू कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यू ऑल हैव अ वेरी ग्रेट डे।